लिखा है सब ग्रह, वहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे। फाइनली तो दोस्तों अब हम लोग बोटिंग पर बैठ गए हैं, देखिए, जो कि बहुत ही डर लग रहा है। अब पूरा रिक्स लेकर हम लोग बस 10 मिनट के लिए इसमें बोटिंग करेंगे, ज़्यादा देर नहीं। अब ये देखिए जो कि इस रॉन्ग साइड कर रहा है, अब हम लोग को कुछ करने आ नहीं रहा है, बस ऐसे ही खाली देखे। प्लेन का व्यू काफी मस्त दोस्तों, ये देख सकते हैं काफी खूबसूरत नजारा है। अब हम लोग का बस कुछ समझ में आया नहीं रहा है, बस ऐसे ही गोल गोल राउंड सर्कल। अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिश मोइन, एक और ब्लॉग में खुशामदी। देखे मैं सिवान हूँ, आज पटना का सफर होगा। चलिए स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसे ही जाएंगे। हाँ तो दोस्तों फाइनली अब मैं ऐसे स्केटिंग में जा रहा हूँ, और कुछ ही देर में 5:45 में ट्रेन जो कि अराइव होगी सिवान जंक्शन पे। सोनपुर का टिकट है, वहाँ से ऑटो लेना होगा, उसके बाद से हम लोग को जाना होगा, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाती तो कितना अच्छा रहता। सिवान जंक्शन का थोड़ा सा व्यूज देख ले के ऐसा है, देखिए ये जो कि इधर से आप आएंगे तो डायरेक्ट आ जाएंगे। ये देखिए सिवान जंक्शन के व्यू से, इधर से आप बिना उसको उसके के आएंगे। देखिए ये सिवान जंक्शन पे काफ़ी लोग खड़े पड़े हैं, देखिए जो कि सिवान जंक्शन काफ़ी फेमस है, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्लीज़ कीप द प्लेटफॉर्म, ये वेलकम टू सिवान जंक्शन। हाँ तो दोस्तों अब चलिए अब लोगों का आगे ब्लॉग दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ पटना जू में, देखिए काफ़ी शानदार व्यू है। अब हम लोग का सिर्फ टिकट लेना है और टिकट लेकर अंदर जाना है। देख लीजिए इधर का व्यू, जो कि ये बेली रोड में पड़ता है। अब वहाँ से हम लोग टिकट लेंगे, फिर से टिकट लेकर अंदर का एंट्री करेंगे। हाँ तो दोस्तों चलिए अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। फाइनली हम लोग एंट्री कर रहे हैं, अपना बोर्डिंग करा रहे हैं, देखिए जो कि टिकट पास आउट मिला हुआ है। अब इसमें जाएंगे, कुछ ही देर में हम लोग का चेकिंग होगा, देखिए यहाँ पर स्कैन किया जाएगा, जो कि स्कैन करने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। फाइनली हम लोग का हो गया, देखिए अब जा रहे हैं, देखिए ये अंदर का नज़ारा। काफ़ी थक गया हूँ, जो कि ट्रेन काफ़ी लेट थी। अब इधर का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। अब चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखे इधर से, जो कि इधर से ये विजिटिंग अगेन लिखा हुआ है, जो ये देखिए इधर, अब इधर से स्टार्ट होगा, उधर से जो कि इधर से जानवर वगैरह बहुत सारे वैरायटी का है इसमें। अब इधर ये देखिए टूर करने के लिए, इसके लिए जो कि है गाड़ी है, इसमें जो पैसा लगेगा, जो फैमिली के साथ आते हैं वो इसमें जा सकते हैं, जो कि ये जो हमको देखने का। अब चलिए इधर से स्टार्ट हो गया जानवर का पूरा, अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए इसमें तो शेर तो है नहीं, खाली पड़ा हुआ है। अब चलिए उधर से हम लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या। ये देख सकते हैं एरिया इसका, जो शेर है लो, लेकिन सोया पड़ा हुआ है, शेर ना हो तो। ये देखें लोमड़ी सोई है। अब इधर आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इधर आगे से आप लोग नज़ारा दिखाऊंगा। ये देखे यहाँ पर टेंडुआ, सीन, भाग, भालू, जो जो जानवर हैं इसमें वो सब लिखा गया है। इधर अब इधर देखते हैं कौन सा जानवर इसमें है, पता नहीं कौन सा जानवर है इसमें। ये देखिए चिंपैंजी, जो कि ये पहला लग रहा है हम लोग को दिखने को मिलेगा। यहाँ पे लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, अब हम जाएंगे और देखेंगे चिंपैंजी को।
हाँ देखिए जो कि वो अपने मजा ले रहे हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, जो कि दो हैं दोनों की दोनों मजे कर रहे हैं अपने। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ये दोस्तों देख सकते हैं चील, चील की निगाह। ये हमारे महाराज जी जो कि पता नहीं कहाँ गुमसान पड़े हैं, ये पटना जू में उतना खास नहीं है, देख सकते हैं कि पूरा खाली पड़ा हुआ है, लोग ऐसे ही आ रहे हैं और देख कर जा रहे हैं। शेर महाराज का गुफा, ये शेर महाराज का गुफा है जो कि खाली पड़ा हुआ है। देखिए देखें वहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, अब हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इस किस चीज़ का भाई भीड़ है, थोड़ा हम लोग भी इसका वीडियो शूट कर लें किस चीज़ का भीड़ पड़ा हुआ है। काफ़ी लोग हैं जी कि इसमें से प्लेन क्रॉस हो रही है, एयरपोर्ट जस्ट 500 मीटर है यहाँ से। देखिए उस सूता पड़ा हुआ है, देख सकते हैं ये जो कि सोया है। और काफ़ी हलचल है, पूरा भीड़ है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन पहला बार ये दूसरा टाइम सेकेंड टाइम देखने को मिल रहा है इस शेर को, जो कि हम 2014 में आए थे इसमें जू में। चलिए अब आगे की तरफ चलें, अब इधर की आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गार्ड लोग हैं, पेड़ का नज़ारा देखिए जो कि आप लोग आराम फरमा सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जू में आए तो आप लोग यहाँ से सामान ना खरीदे क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता है बाहर से आप निकले। वो देखिए उधर सांपों का है जो कि खजाना, हम जाएंगे देखेंगे। ये देखे जो चीता है जो कि अभी सोया पड़ा हुआ है, उधर भी है, उधर भी है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ, चले हम लोग सांपों का वैरायटी देखने के लिए। ये देखो वहाँ पे लिखा है सब ग्रह, वहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे। ये गिलहरी जो कि पता नहीं कहाँ गायब पड़ी है, देखेंगे इसमें कितना प्रकार के सांप है। पाइथन इंडियन रॉक देखिए, ये जो है धामी, देखिए काफी लोग पूरा भीड़ लगाए हुए, साइड कर कर मैं भी जा रहा हूँ, भीड़ लगा रहा हूँ। ये देखिए इधर एक ही बस है जो कि उतना खास नहीं है, काफ़ी लोग भीड़ लगाए हुए हैं इसमें, बहुत सारे लोग विजिटिंग करने के लिए आए हैं। चलिए अब दूसरे जगह हम लोग चलते हैं।
इधर देखिए ये काम चल रहा है कुछ ये आगे करने के लिए, जो कि सांपों का आप लोग देखे, ये जो कि इतना खास नहीं था, बस नाम का जू रह गया, ये है पटना जू। इसको देखे अब देख रहे हैं जाकर इधर क्या है, लग रहा है कि आया सब बेकार हो जाएगा, बेकार तो हो ही गया। अब हम लोग इधर जाएंगे, देखिए इस जानवर को अपने देख कर आएंगे। लग रहा है इसमें कुछ खास खास होगा। नॉक्टर्नल हाउस 22 जून 2017 इसमें हम लोग एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद से इधर जाएंगे। नज़ारा देखें, काफ़ी गजब का इसका डिजाइन बना है। अभी तक का ये सबसे अच्छा लगा, जो कि अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, इधर से जो कि एंट्री होगा उसके बाद से इधर दिखाएंगे आप लोग को, अभी तक का सबसे अट्रैक्टिव है ये, इसमें जो कि अभी रेडी नहीं है ये। देखिए उसमें वो जो कोना में लास्ट में सबसे पड़ी है, जो कि अभी शाहीन के कांट आई थिंक। सब खाली पड़ा है, पूरा आना बेकार हो गया यहाँ पर पटना जू में। बस आई थिंक बस नाम के लिए और नहीं है। तक का सबसे अच्छा ये रहा, जो कि है ये बत्तख है सब, देखिए जो कि इधर बाहर में है, जो कि अब उधर जाना पड़ेगा, थक गया हूँ। अब चलिए उधर आगे से जहाँ जहाँ जाते हूँ उधर का आप लोग का सीन दिखाता हूँ। बस देखने लायक रह गया पटना जू और कुछ नहीं, बस नाम के लिए पैसा, एनीथिंग इज नॉट। ये देखे हॉग डियर, जो कि चित्तल हिरण, जो कि इसको अब देखेंगे हम इधर। वहाँ पर है सब, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़्यादा है। चलिए अब इन लोग को देखते हैं। हाँ तो ये देख सकते हैं चित्तल हिरण को, हॉग डियर, जो कि काफ़ी अच्छी है सब। कुछ का सिंह आ गया, कुछ का सिंह नहीं आया है। और ये बार्किंग डियर, भौंकने वाला। अब ये देखिए इधर, जो कि अब किसी का प्रजाति, अब देखते हैं ये मुर्गी, देसला मुर्गी, ये तो हम लोग देखते ही हैं, इसमें कहाँ, हम लोग हरदम देखते हैं, हमारे घर में ये सब है सब। ये देखिए तोता, यही सब है जो कि आप लोग डेली देखते हैं, वही सब है इसमें, और कुछ है नहीं। ये तो आई थिंक पहले बहुत ही अच्छा था, पूरा ख़राब हो गया ये। बस नाम के लिए। इधर जो कि बर्ड्स का प्रजाति देख ले थोड़ा हम भी। चील, रेड कीप साइलेंस। नानी तेरी मोरनी को मोरनी,
ये माशाल्लाह अभी तक का सबसे खूबसूरत मंजर रहा, जो कि ये शायद जिराफ है कि क्या है, नहीं जिराफ नहीं है, ये डोंकी है शायद। खूबसूरत है, जेबरा जेबरा सॉरी। अब देखते हैं इसमें क्या है। हिप्पोपोटामस, दरिया और घोड़ा। ऊपर आए तो अपने देखेंगे, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं आपका ऊपर। बाकी दादी ना जाएगा। देखिए इसको पूरा घेर कर रखा गया है, ये जो कि तो दोस्तों अभी तक देखे कि कुछ मज़ा नहीं आया इस जू में। अब देखते हैं, और आगे का मन करेगा तो बनाऊंगा, नहीं तो ब्लॉग को एंड कर दूंगा। अब हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, देखिए जो कि यहाँ पर खाने का व्यवस्था है। आप लोग बाकी महंगा मिल सकता है, लेकिन क्या करें, मजदूरी के नाम इंदिरा गांधी, अब कुछ खाना ही पड़ेगा, भूख लग गया है। ये देखे हिरन जो कि ये सब, इसको देखिए यहाँ पर खड़ी पड़ी है। अब उधर बहुत ही ज़्यादा है, ये होटल है जो कि मैं अभी लिया था इसको। यह स्लो चल रही है, पता नहीं क्यों। ये देखे भी शेर पूछ बंदर। अब इधर देखते हैं, सतर्क रहे, 440 वोल्ट। देखे खाने का व्यवस्था इधर जो कि भी लिया था मैं। ये पार्क है, थोड़ा बैठने के लिए है, अच्छा है पार्क। अब इधर हम आई थिंक हम हमको बोटिंग करने का मन कर दिया। अब इधर अब जाऊंगा मैं, हो सकेगा तो बोटिंग कर रहे, पहले इसको टिकट चार्ज पूछ लेता हूँ, उसके बाद से इसके अंदर जाऊंगा। अभी तक का पूरा इंटरेस्टिंग, पूरा इंटरेस्टिंग, ये जो कि 2 टिकट 80 रुपया पहले ही वाला था, जो कि हम लोग 8 साल पहले आए थे, बस उतना ही है, 8 साल में कोई चेंजिंग नहीं। हम लोग भी 40 रुपया देकर इसमें गए थे। देखिए पूरा पानी से भरा। इधर से जाऊंगा मैं, उसके बाद से इसमें ट्राई करता हूँ बोटिंग के लिए। ये देखिए पूरा पानी है। अपने आप ही चलाना पड़ेगा। देखिए प्लेन का व्यू काफी माशाल्लाह अच्छा है, देखिए ये। फाइनली तो दोस्तों अब हम लोग बोटिंग पर बैठ गए हैं, देखिए जो कि बहुत ही डर लग रहा है। अब पूरा रिक्स लेकर हम लोग बस 10 मिनट के लिए इसमें बोटिंग करेंगे, ज़्यादा देर नहीं। अब ये देखिए जो कि इस रॉन्ग साइड कर रहा है। अब हम लोग को कुछ करने आ नहीं रहा है, बस ऐसे ही खाली। दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मंजर है। अब हम लोग का बस कुछ समझ में आया नहीं रहा है, बस ऐसे ही गोल गोल राउंड सर्कल की तरफ है घूम रहा है। देखिए साफ है, हम लोग का डर लग रहा है। आओ देखने जाता है ये देखिए रॉन्ग साइड जा रहा है। अब हम लोग कुछ समझ में आया नहीं रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं इसको फिर। कितना टाइम, कितना बजे लग रहा है, कितना कब बजे आओगे? अभी 12:30 हो रहा है, जो 12:58 में हम लोग को जाना है। 12:58 में जाना है। इधर लो, इधर लो, उधर से चलो राउंड कर कर। अब हम लोग दोस्तों मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है, जो कि
काफ़ी धूप भी है और थक चुका भी हूँ, जो कि 150 किलोमीटर आने के बाद से, और ये बीच में हूँ जो कि पूरा पानी है, पूरा डर लग रहा है। अब डर ख़त्म हो गया इसका। अब चलिए, अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। खुदा हाफिज़।